10, 9, 8, 7, 6. सो हेलो गाइज, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो गाइज, आज का व्लॉग है कि हम लोग थोड़ा जा रहे हैं मेरे गांव के पास में एक जगह पे। तो गांव के पास का जगह है, पर आप लोग अच्छे से जानते होंगे, मे भी बहुत लोग जानते होंगे, सबको ही नहीं जानते होंगे। तो जो लोग नहीं जानते गाइज, वीडियो एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा। तो मैं अभी रेडी होकर आ चुका हूँ। तो अभी हम लोग थोड़ा मेरे मामा के फैक्ट्री के सामने रुके हुए हैं, क्योंकि मामा गए हैं फैक्ट्री के अंदर, अभी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो तब तक यहीं पे थोड़ा देखते रहते हैं, अभी शाम का टाइम है। तो गाय सब चर के रिटर्न आ रहा होता है, तो आप देख सकते होंगे ये हम लोग का गांव का सबसे बड़ा हर्ड है। हर्ड मतलब हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, हर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, झुंड बोल सकते हैं, सबसे बड़ा झुंड है ये। 100 से ज़्यादा गाय या फिर 100 के आसपास गाय रहता है इसमें। तो ये लोग सब, अभी बारिश का मौसम ना है इसीलिए सब जंगल में चरने गया था, तो मुझे कार से उतरना पड़ा, क्योंकि पता चला इस साइड से घिसरते हुए जा रहा है। उस साइड में तो जगह फिर भी ज़्यादा है, इस साइड में जगह नहीं है ना, उसीलिए लोग पूरा चिपक के चलेगा। उन लोग का कुछ है नहीं, आराम से चिपक चिपक के चल रहा होगा और स्क्रैच पड़ जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा यहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है। तो गाइस देखते रहे, बड़ा हार्ड था और वो रहा उस हर्ड को चराने वाला। एक इंसान के लिए चराना कितना मुश्किल होता है, मेरी बहुत लोग को पता होगा। ये ब्राउन कलर की बछड़ी बड़ी क्यूट लगती है मुझे पहले से ही, बड़ी वाली, ये छोटी वाली नहीं। तो बाय बाय गाय। तो अभी हम लोग चलेंगे, थोड़ा देख लेते अपना कुत्ता लोग को, कहाँ गए मेरे कुत्ते। ये कुतिया, ये कार के अंदर नहीं घुसने का, कार के अंदर नहीं, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल कार के अंदर नहीं। और ये मेरा क्यूटी डाकू, इसका नाम डाकू है। बेसिकली ये कुत्ता हम लोग का फैक्ट्री में ही रहता है, बट ये किसी का पेट नहीं था। इसका एक बार कंधे के पास से मतलब बहुत बड़ा इंजरी हो गया था, और मैं गांव में था पिछले साल, तो कोरोना के लिए मैं गांव में ही था, तो उसीलिए मैं उसे पालतू बना लिया था। तब उसका तबीयत ख़राब था, तो मैं उसका ट्रीटमेंट करके रखा था, तो तब से वैसे ही मेरे साथ रहता है। और क्या, जब भी गांव आता हूँ वो मेरे साथ ही घूमते रहता है। तो ये दूसरा हर्ड आ गया, तो अभी चलते हैं जल्दी से, पूरा स्पीड से चलेंगे और जल्दी जल्दी जाके हमें पहुँचना है जहाँ हम लोग जाना चाहते हैं। पहले तो फ्लड देखने जाएंगे, बोल तो रहे थे फ्लड आया हुआ है, तो पास के जगह पर फ्लड देख के आएंगे। अभी भी कुछ गाय चल रहे हैं, थोड़ा फ्लड देखेंगे फिर जाएंगे जिस जगह पर मैं बात कर रहा था, वहाँ पहुँचने के बाद मैं बताऊँगा। नहीं तो बहुत लोग जनरली आप लोग देख ही लिए होंगे भाई, थंबनेल पे देख ही लिए होंगे। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी पहुँचना है। देखो गाइस कैसा मौसम हो रहा है, अभी ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ज़्यादा बुरा भी नहीं, घूमने के लिए फिर भी सही है, बट टाइम थोड़ा कम बचा हुआ है। अभी 5 बज रहे 4 बज रहे, 4:30 बजे जाएंगे, तो जल्दी जल्दी पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर से वो 20-25 किलोमीटर होगा, 20-25 नहीं 15 से 18 किलोमीटर के अंदर रहेगा। जल्दी से बस पहुंचना है, थोड़ा बाहर का नज़ारा भी देख लेते हैं। कार के विंडो में, ग्लास में तो कुछ दिखाई दे रहा नहीं है बारिश के बूंदों की वजह से, हरे भरे खेत। जल्दी चलो पहुंचना है हमें जल्दी से, पता चला अंधेरा हो गया, कुछ देख ही नहीं पाए, या फिर वो जगह ही बंद हो गया, बस नदी देख के घूम घूम के आ रहे हैं। सो गाइस नज़ारे के मजा लो, और सो हम लोग जल्दी ही पहुँच जाएंगे। तो अभी कोई ट्रैक्टर से खेती कर रहा है यहाँ पे, देखते हुए आराम से चलते हैं, उसमें क्या है, अभी और थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब अभी गांव से ये निकल रहे हम लोग, काज को भी पूछना पड़ेगा, नहीं तो दिख नहीं दे। अभी हम लोग जस्ट गांव से निकल रहे हैं, ये हम लोग का गांव का, हम लोग का गांव में नहीं जाता, ये दूसरा गांव है पास वाला। तो मेन रोड में जाने के लिए और थोड़ा टाइम बाकी है, मेन रोड यहाँ से और 1/2 किलोमीटर 1 किलोमीटर जैसा होगा। ये फिर से दूसरा हर्ड, ये लोग सबको जंगल में ही चराने लेके जाते हैं। अभी हम ही लोग का गांव का हर्ड है, बट ये लोग दूसरा गांव छोड़ के तीसरा गांव के पास जो जंगल है वहां पे लेके जाते हैं। हम लोग का गांव से भी रास्ता है जंगल में जाने का, बट क्या पता उन्हें कंफर्टेबल होता होगा, कुछ होगा ऐसा ही, मतलब कोई रिलेटिव वगैरह होंगे। जल्दी से जाके पहुँच जाते हैं वहाँ पे।
पापा भी की चलो भाई जल्दी चलो, दे जाएंगे डिलीवरी को यू। ए बड़ा सुसाइड, जल्दी से पहुंचना है जाके। तो ये बेसिकली गांव का एंडिंग हो चुका है और अभी मेन रोड में निकलने के लिए और हाफ किलोमीटर का ही रास्ता बचा हुआ है, तो जल्दी से पहुंचते हैं। मैं पहुंचने के बाद आपसे मिलता हूँ। तब सो गाइस अभी हम लोग मेन रोड पे पहुंच चुके हैं, मतलब मेन रोड क्रॉस करके जिस जगह पे हमें जाना है उस रास्ते पे आ चुके हैं। बेसिकली हम लोग के गांव के पास इसे बोलते हैं अनसुपा रोड। तो अनसुपा लेक जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा का सेकंड लार्जेस्ट लेक है शायद, हाँ कुछ ऐसा ही। ट्रीज मस्त केव स्टाइल में कार्व हुए हुए, दूर से देखोगे लास्ट वाला ट्री सब ना पूरा केव स्टाइल में दिख रहा होगा। यहाँ पे सारे के सारे ट्रीज ऐसे ही होते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उसी अनसुपा लेक के पास में, एक पहाड़ है सरंडा पहाड़ बोलते हैं उसे, उसके ऊपर पहले वहाँ के एक राजा थे, उनका ही पैलेस था वहाँ पे। पैलेस तो जाने से ही पता चलेगा पैलेस है या क्या है, बट अभी वहाँ पे रिसेंटली एक पार्क बना है। तो उसके पास में भी महानदी जो कि ओडिशा का सबसे बड़ा रिवर है, उसके पास जा रहे हैं देखने के लिए। वहाँ पे फ्लड हुआ है बोल रहे हैं, तो देख के आएंगे क्या है। जल्दी से पहुँच जाते हैं। सो गाइस अभी हम लोग पहुँचने ही वाले हैं और पहुँच गए हैं हम लोग ब्रिज के ऊपर। फ्लड तो भाई आया हुआ है कहीं से, लग नहीं रहा, थोड़ा पूछताछ कर लेंगे किसी से। फ्लड आया है अभी, थोड़ा पानी बढ़ा है, पानी बढ़ा है गाइस, बेसिकली बहुत पानी बढ़ा हुआ है। ये करीब करीब 100 मीटर नहीं 50 मीटर से तो ज़्यादा ही होगा पानी गहरा। अभी कौन कूद के चेक कर रहा है इसके अंदर, जो कहीं पे यहाँ पे वाटर लेवल भी, वाटर लेवल मेजरमेंट का दिया नहीं है। तो अभी फ्लड आया हुआ है, थोड़ा देखते रहते हैं फ्लड कैसा आया है। फ्लड तो कहीं से दिख नहीं रहा, पानी का बस लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ है, उसी को देख रहे हैं और थोड़ा बाएं दाएं नज़र घुमाते हैं। पूछताछ कर चुका हूँ मैं, पता चला कि अभी फ्लड आया नहीं है, कल आएगा फ्लड। और कल मैं जा रहा हूँ बैक टू होम, तो उसका मैं व्लॉग नहीं बनाने वाला कि गाइस कहीं आते हुए तो देख लिया, जो था वही था और गांव से ज़्यादा समय क्या ही देखोगे भाई। हाँ फ्लड वाटर दिखा सकता था पर क्या पता फ्लड वाटर आया होगा या नहीं, और जाते समय भी ट्रेन फेल होने का चांसेस है ना, थोड़ा व्लॉग बनाने में मुश्किल होगा। तो और कभी गाइस बैक टू होम वाला व्लॉग बनाएंगे, और कभी गांव तो मैं जनरली आते ही रहता हूँ, आप गाइस उधर देख सकते होंगे। भैंसे आराम से अपना चरने के लिए आए थे, आराम से पानी पी रहे, डर नहीं लगता क्या फ्लड वाटर में बह जाओगे? उनका भी मजा है भाई, आराम से तैरते हुए कहीं पे भी जाके लगेंगे अपने मालिक से छुटकारा, और घास फूस खाने वाले जानवर तो है ही, कुछ भी खा के चला लेंगे। लोग यहाँ पे आए हैं देखने के लिए, कल तो और भी भीड़ होगा फ्लड आने के बाद। तो अभी हम लोग आ चुके हैं रिटर्न, और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा देखने के लिए वो पहाड़ के ऊपर वाला पार्क, सरांडा पहाड़ के ऊपर वाला पार्क। तो जल्दी से चलते हैं, राइट साइड में हम लोग का अनसुपा लेक, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नहीं, लेक है उसी के पास में ही रिवर है। तो ये है अनसुपा लेक का रास्ता, मतलब लेक पार्क का, वो पार्क है वहाँ पे बोटिंग वोटिंग का सब सिस्टम रहता है। तो अभी लेफ्ट में रास्ता है अपना पहाड़ के ऊपर जाने का, और थोड़ा आगे में है, मैं दिखाऊंगा अभी गाइस, चिंता मत करो। तो ये है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, और थोड़ा आगे आए हुए हैं अभी। तो गाइस ये रहा लेक पार्क, यहाँ पे बोटिंग वोटिंग का सब सिस्टम बना रहता है। आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा पीछे में कैमरा लगाता हूँ, हाँ तो आपको दिख गया होगा अनसुपा लेक, और वहाँ पे थोड़े जो मछली मारने वाले बोट भी आते रहते हैं छोटा वाला, वो लोग अपना मछली मार के लेके जाते हैं भाई, उन लोग का बोटिंग से कुछ रिलेशन नहीं है। और हाँ अगर भाड़ा दोगे तो वो लोग भी बोटिंग में घुमा लेंगे, पर अपना पेडलिंग का मज़ा कुछ अलग है। तो यहीं से लेफ्ट साइड में रास्ता है ऊपर जाने का पहाड़ के ऊपर, और अभी हम लोग जाने वाले भी हैं। वो रहा पीछे से रास्ता, आपको दिख ही चुका होगा वो वाला,
बोर्ड, तो वहीं से है रास्ता ऊपर जाने का और हम लोग अभी चलेंगे ऊपर। थोड़ा देख लेते हैं, लेक ज़्यादा क्लियर तो आपको कैमरा में नहीं दिख रहा होगा, पर मुझे फिर भी थोड़ा थोड़ा क्लियर दिख ही रहा है। और अभी चलते हैं ऊपर बिना देरी किए हुए, थोड़ा गाड़ी घुमा लेते गोल गोल करके। प्लानिंग तो वैसे था नहीं जाने का, बट अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, तो आप देख सकते होंगे वेलकम टू सरांडागढ़। और अभी हम लोग ऊपर जाएंगे, बेसिकली ये थोड़ा पहाड़ वाला रास्ता है, इसके अंदर हाफ किलोमीटर जितना आपको अंदर जाना पड़ता है बस हो गया, पहुँचेंगे ऊपर। ऊपर पूरा अच्छा तो बना हुआ है बोलते हैं, पर मैं कभी गया नहीं, पहली बार जा रहा हूँ। देख लेते हैं कैसा बना हुआ है, या पता चला कि कोई अफवाह फैला रहा है बैठ के, कुछ बना वाना है नहीं। तो मैं आपसे वहीं पे पहुंच के मिलता हूँ। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पहुंचना था, तो ये है बेसिकली वो वाला पार्क, तो यहाँ पे उस पर लिखा हुआ है। अभी हम लोग जल्दी से चलते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है पार्क में, बेसिकली ज़्यादा कुछ है या कुछ है ही नहीं, और ऐसे ही पता चला कुछ है नहीं और हम लोग घूम घूम के जा रहे हैं। तो यह है एक रिजॉर्ट टाइप का बेसिकली बनाया हुआ है यहाँ पे, रिजॉर्ट टाइप का, क्या है इसका नाम, हाँ टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स अनसुपा। तो यहाँ पे कुछ लोग रहते भी हैं रात को, मतलब टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर तो रहते हैं, और यहाँ के वर्कर भी कुछ रहते हैं यहाँ पे रात को सिक्योरिटी के लिए, नहीं तो पता चला कुछ प्रॉब्लम हुआ तो रिजॉर्ट में और कोई है ही नहीं, तो ये लोग भी रहते हैं, उनका भी अच्छा इंतज़ाम हुआ रहता है, कोई ऐसा बेकार वाला इंतज़ाम नहीं। तो जल्दी से चलते हैं, और राइट साइड में हम लोग का थर्ड गेट, थर्ड गेट से एंटर करके हम लोग देखेंगे अंदर है क्या या फिर कुछ है ही नहीं। जल्दी से चलते हैं। तो अभी थर्ड गेट से पहले मुझे कुछ और दिख चुका है, एक तो ये बोर्ड जिसमें डिटेल्स लिखा हुआ है, आपको अगर पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो और अभी मुझे ये दिखा है घास का ये इंसान और उसका बच्चा, तो ये बेसिकली ओरिजिनल घास नहीं है, ये जो कारपेट टाइप का आता है ना पैर पोछने वाला जो होता है वो वाला मटेरियल का बना हुआ है ये। तो अभी जल्दी से चलते हैं अंदर और देखते हैं है क्या अंदर। यहाँ से नदी जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, आगे जाके पूरा नदी दिखाई देगा, यहाँ पे एक वॉच टावर भी है वहाँ से हम लोग देख सकते हैं नदी। तो जल्दी से चलते हैं, ये है थर्ड गेट, गेट तो मस्त बनाया हुआ है और थीम भी मेंटेन किया हुआ है, ग्रीन ब्राउन ये स्नेक लपेटा हुआ सब कुछ, मतलब पूरा थीम के अनुसार बनाया हुआ है। यहाँ पे एक जेब्रा का मूर्ति दिख चुका है मुझे, और क्या क्या देखते हैं, लॉर्ड बुद्धा का भी एक मूर्ति है वहाँ पे, गोल्डन कलर का आपको दिख ही रहा होगा। तो अभी थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में चल रहे हैं क्योंकि मैं बहुत स्लो स्लो चल चल के थोड़ा नज़ारा देख देख के जा रहा था। अभी बेसिकली बारिश हो रहा है बट वीडियो में पता नहीं चल रहा, बहुत थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, और घर जाने तक गारंटेड मैं भीग चुका हूँ। और जल्दी से चलते हैं, अभी मुझे यहाँ पे मतलब अच्छे चीज़ें अच्छे बनाए हुए हैं, यहाँ पे कुछ हिरन है और मतलब डुप्लीकेट वाला, असली के हिरन थोड़े ही ना होंगे, पर प्लानिंग तो बोल रहे हैं यहाँ पे प्लानिंग है, थोड़ा दूर पे यहाँ पे एक डियर पार्क बनाने का बनेगा, तो अच्छा है, हम लोग देखने आएंगे मज़े करेंगे। ये मोटे मोटे भालू भी दिख रहे हैं, ये क्यूटी सी मोर भी दिख रही है, मूर्ति है भाई, सब डुप्लीकेट वाले हैं। ए मोर व्हाट आर डूइंग। तो यहाँ पे आपको नदी दिख ही रहा होगा, जो नदी में हम लोग फ्लड देखने गए थे, और वो वाइट वाइट वाला छोटा सा चीज़ है वो ब्रिज जिसके ऊपर हम लोग खड़े होकर वो नदी देख रहे थे। तो अभी जल्दी से इस वॉच टावर के ऊपर चलते हैं, वीडियो पूरा फास्ट फॉरवर्ड में है, हम लोग जल्दी से पहुंच जाते हैं ऊपर। तो अभी आधे में पहुंचे हुए हैं, ये है अनसुपा लेक, यहाँ से बस डाउनवर्ड्स आपको बस लौटते 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 या फिर गिर गिर के नीचे जाना है, पहुँच जाएंगे लेक के अंदर, फिर ख़त्म कहानी, और हम लोग को लेक के अंदर जाना है नहीं। तो हम लोग जा रहे हैं ऊपर, ऊपर से हम लोग देखेंगे वो रहा अनसुपा लेक पार्क, जो कि मैं दिखा रहा था बाहर से, यहाँ से पूरा दिख रहा है, यहाँ पे बोटिंग होता है, पर बेसिकली इतना दूर कोई आ नहीं पाता क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है, पास जाने से पता चलता है कि वहाँ पे मतलब बैम्बू सब गाड़ा हुआ रहता है कि वहाँ से आगे नहीं जाने का, नहीं तो पता चला कोई बोट लेके पार हो गया घूमने आराम से, और घूम घुमा के 3-4 घंटे बाद आ रहा है। और वो रहा लंबा सा मोटा सा चौड़ा सा नदी और ये लेक, वहाँ जो छोटा वाला आइलैंड जैसा दिख रहा है ना वो घास सब नहीं, जो छोटा आइलैंड जैसा दिख रहा है मैं दिखाऊंगा अभी, जंगल मस्त बना हुआ है चारों तरफ। ये लेफ्ट साइड में जो आइलैंड जैसा दिख रहा है ना वो पहाड़, तो
उसी में प्लानिंग है बनाने का, पार्क वाला हो, मेरा नहीं है भाई पार्क, वो पार्क वालों का प्लानिंग है और गवर्नमेंट का है बेसिकली पार्क शायद, तो उन्हीं लोग का प्लानिंग है बनाने का वहाँ पे एक डियर पार्क, तो देखा जाए क्या होता है। तो बेसिकली बस यही देखने हम लोग आए थे, ज़्यादा कुछ है नहीं और कुछ ख़राब भी नहीं। आप लोग अगर एंजॉय करना चाहते हो और घूमना चाहते हो, कुछ अच्छे सीनरी देखना चाहते हो, फ़ोटो शूट करवाना चाहते हो अपना, तो यहाँ पे जगह मस्त है, आप आराम से कर सकते हो। तो अभी बस इतना ही है और कुछ ज़्यादा है नहीं। वो आइलैंड में तो डियर पार्क बनने वाला है, आइलैंड नहीं, छोटा सा पहाड़ जैसा है, उस तरफ नदी है, इस तरफ लेक है, और वही बस देखेंगे। मौसम भी अभी थोड़ा ख़राब हो रहा है, बारिश और थोड़ा स्पीड हो चुका है, और हम लोग थोड़ा यहाँ से नज़ारा देखते हुए, मैं भी अभी फ़ोटो अपना फ़ोटो शूट करने वाला हूँ, मैं, मेरी मम्मी, मेरी मामी, मेरे मामा, सबका अपना फ़ोटो खींचने वाला है अपना अपना, और दूसरों का भी। बस ख़त्म, यही दिखाना था यहाँ पे, और क्या ही दिखाऊंगा। ये छोटा सा पार्क बना हुआ है यहाँ पे, इन लोग का पार्क, इन लोग मतलब क्या, इन पार्क वालों का छोटा सा पार्क बच्चों के खेलने के लिए। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक।